और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री का हवाई जहाज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे पुलिस लाइन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी समिट कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गए और जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम ने बनारस को लगभग 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं वाराणसी के परिदृश्य में मील का पत्थर साबित होगी, शहर के लोगों के जीवन को और आसान बनाएगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदुलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास भी किया। इस परियोजनाओं से पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को और निवासियों का आवागमन सुविधाजनक होगा। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। भाइयों बहनों, जहां एक ओर भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व देन किया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे।